डेमोक्रेटिक कन्वर्सेशंस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल में चुनावी स्थिति का जायजा लेंगे। काफ़ी सारे दोस्त मुझसे ये पूछने लगे हैं कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव की क्या रिजल्ट होंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कौन जीतेगा। ये कुतूहल तो सबके दिलों में है, जबकि दूसरी विधानसभाओं के भी चुनाव हैं। आसाम में भी चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, पुडुचेरी की भी चुनाव हो चुकी है, लेकिन सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पे लगी हुई है। हमने देखा अभी कि 5 चरणों के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, 180 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण और बाकी हैं जिसमें 114 सीटों का चुनाव होना है। 2 मई को फैसला आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी लहर थी और कौन जीता। बात सिर्फ ओपिनियन पे नहीं होनी चाहिए, जो डेटा है उस पर भी बात करते हैं। तो अभी हम देखें, पश्चिम बंगाल में करीब 9 करोड़ लोग हैं, जिसमें 51% पुरुष हैं, मर्द हैं, मेल हैं और 49% महिलाएं हैं। और पश्चिम बंगाल की 32% आबादी जो है शहरों में रहती है और 68% आबादी गांवों में रहती है। 71% हिंदूज हैं और मुसलमानों की तादाद 27% है। अगर हम साक्षरता पर नज़र डालें, लिटरेसी पर, तो बंगाल में 76% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। ये तो जनरल एक आबादी की आबादी का आंकड़ा हुआ। अगर हम टोटल वोटर्स की तादाद देखें तो 7 करोड़ है, जिसमें 51% मेल और 49% फीमेल है। और 18-19 साल के मतदाताओं की अगर तादाद देखें तो 3% है। टोटल 294 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें 68 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 सीटें रिजर्व्ड हैं। और जिस किसी भी पार्टी को 148 सीटें मिल जाती हैं वो सरकार बना लेता है। पिछले असेंबली इलेक्शंस पे नज़र डालें जो 2016 में हुई थी, उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी, एक बहुत बड़ा बहुमत मिला, और कांग्रेस को 44 सीटें, लेफ्ट पार्टी को 26 सीटें और बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी जिसको 3 सीटें मिली पश्चिम बंगाल में 2016 के चुनाव में, वो पार्टी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है जो ममता बनर्जी को दे रही है। पहले के चुनाव में हम अक्सर देखते थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर, विचारधाराओं के मुद्दों पर लोकल नैरेटिव्स होते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में एक अलग ही राष्ट्रीय रंग देखने को मिल रहा है। जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय स्वाद था, एक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद का काफ़ी फैलाव देखने को मिला। अगर 2019 के चुनाव देखें और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर परफॉर्मेंस किया, उसके हिसाब से 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 126 सीटें मिलनी चाहिए। जिस पार्टी को 3 सीटें मिली थी, उस पार्टी को 126 सीटें मिलने के आसार अपने आप में एक बहुत बड़ा मानी रखता है। और जो बीजेपी का ये बढ़त है पश्चिम बंगाल में, ये रातों रात बढ़त नहीं है। थोड़ी नज़र देखें 2014 के चुनाव में, बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, आसनसोल और दार्जिलिंग, और 3 सीटों पर वो रनर अप रही थी, मालदा साउथ, कोलकाता नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन 14 सीटें ऐसी थीं 2014 में भी जहां पर उनको 20% से ज़्यादा वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में देखें तो
तो 18 सीटें मिली थी बीजेपी को, और इस 18 सीटों में जो 7 सीटें थी वो रिजर्व एरिया से मिलती हैं, और 12 सीटें और थी जो 18 सीटों के बाद जहां पर बीजेपी का वोट शेयर 30% से ज्यादा है, यानी कि दूसरी सीटों पर भी बीजेपी सेकंड नंबर में थी। यानी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में 2019 में ही लड़ाई में आ चुकी थी। इनफैक्ट ये लड़ाई अगर हम ये देखा जाए तो 2018 के चुनाव में भी जो वहां के लोकल चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, वो देखने को मिले। पश्चिम बंगाल में लोकल और क्षेत्रीय चुनाव की एक अलग ही राजनीति होती है, और इस बार जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हुई हैं इसका फायदा भी बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीजेपी के परफॉर्मेंस को पश्चिम बंगाल में, तो उसका फैलाव नॉर्थ बंगाल हो, साउथ बंगाल हो या सेंट्रल बंगाल हो, हर जगह देखने को मिल रहे हैं। अक्सर हमने देखा कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज जो हैं, जैसे जंगल महल, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, मिदनापुर के इलाके में बीजेपी ने काफ़ी बढ़त बना रखी है। बीजेपी का फैलाव बर्धमान के इलाके में भी देखने को मिल रहा है, हुगली में भी, नॉर्थ और साउथ 24 प्रगना में भी हमें देखने को मिल रहा है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बीजेपी की जो बढ़त है पश्चिम बंगाल में, ये तृणमूल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी पे नहीं है। ये भी एक सोचने की बात है कि जो अपोजिशन का स्पेस खत्म हुआ पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस का परफॉर्मेंस कम होता गया, वो सारे वोटर्स जो कभी लेफ्ट के होते थे, कभी कांग्रेस के होते थे, उन्होंने बीजेपी में अपनी जगह ढूंढ रखी है। और कुछ तृणमूल कांग्रेस के कुछ अपने कदावर नेता भी बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जो विचारधाराओं की लड़ाई होती थी वो अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। नेता बड़ी आसानी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। 2016 के बाद से देखें तो ये रफ्तार एक पार्टी का दूसरे पार्टी में जाने की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सारे नेताओं, सारे MLAs, सारे लीडर्स बीजेपी को ही ज्वाइन कर रहे हैं। ये कल्चर तो तृणमूल कांग्रेस में भी देखने को मिला था। उन लेफ्ट और कांग्रेस को जैसे TMC ने ख़त्म किया, ठीक उसी तरीके का नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। करीब करीब 18 कांग्रेस के MLA और एक लेफ्ट का MLA तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से कई सारे MLA, यानी कि 7 MLAs, एक लेफ्ट के, एक कांग्रेस के, और भी बहुत सारे लोकल लीडर्स, टॉप लीडर्स, मिनिस्टर्स, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कि कभी लेफ्ट और कांग्रेस रूलिंग पार्टी हुआ करती थी वेस्ट बंगाल में, आज वो फ्रिंज बन के रह गई है। सवाल ये होता है कि चुनाव जीतेगा कौन? अगर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है पश्चिम बंगाल में, तो उसको अपने 2019 का जो वोट फीसद है उसमें 2% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। यानी कि कम से कम 2% वोट बीजेपी का बढ़ना चाहिए 2019 के बाद से। अगर तृणमूल कांग्रेस जीतना चाहती है चुनाव, तो उनको उन तमाम इलाकों में अपनी बढ़ोतरी बनानी पड़ेगी जो वो कभी ज़मीन खो चुके थे, जैसे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, बांकुड़ा, पुरुलिया। इन इलाकों में अपनी बढ़त को बनाए रखनी पड़ेगी, और जो ज़मीनें इन्होंने कांग्रेस को, बीजेपी को खोई हैं, उनको वापस पाना पड़ेगा। कांग्रेस और लेफ्ट अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो ये भी तृणमूल कांग्रेस के फायदे की सबब बनेंगी, और एवब ऑल बीजेपी से 2% वोट इनको, तृणमूल कांग्रेस को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। चुनाव चाहे जो भी जीते, चुनाव एक्साइटिंग हो रहा है, सबकी नज़र उसमें लगी हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सारे स्टेक्स इस चुनाव में लगा रखे हैं।
उनका अपना जो कैंपेन नैरेटिव्स है वो नेपोटिज्म पे, करप्शंस पे, अनरूली बिहेवियर ऑफ तृणमूल कांग्रेस, जो उनके कैडर्स हैं, जो उनका सिंडिकेट, आपने देखा जैसे कट मनी की बात हो रही है, बीजेपी ने कट मनी का एक मसला उठाया, बीजेपी ने माइनॉरिटी अपीजमेंट का मामला उठाया कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को ही खुश करने का की पॉलिसी बनाती है, बीजेपी ने जिस तरह से पिछड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी, बीजेपी ने जिस तरह से ये मुद्दा उठाया कि हिंदुओं का जीना मुश्किल है दीदी के राज में, बीजेपी ने जिस तरह से अम्फान तूफान का जो मामला उठा, जिस तरह से नीतियों में, नीतियों को लागू करने में जो कमियां रही तृणमूल कांग्रेस की, उस पर सवाल उठाते उन्होंने अपने कंपेन को बढ़ाया। अगर हम एक शब्द में कहें तो बीजेपी का पूरा कंपेन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हटाओ, दीदी हटाओ के ऊपर लगा हुआ है। हमने भी एक छोटी स्टडी की पश्चिम बंगाल में 294 असेंबली सीटों के करीब 900 लोगों को इंटरव्यू कराया, और इंटरव्यू में यह अंदाजा लगा कि जितना पॉपुलर दीदी हैं उनसे कम पॉपुलर नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। एक करिस्मेटिक एक्सेप्टेंस है लोगों के दरमियान, लोग मोदी जी को मानते बहुत हैं। जो दलित पॉपुलेशन है जैसे कुर्मी, महतो, राजबंसी, मटुआज, कुंभकास, महेशियाज, आगरीज, ये तमाम जातियां जो हैं, इनके बीच में एक अलग तरीके की पहचान श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बीजेपी की बनी है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीजेपी ने इस चुनाव में किया है वो काबिले तारीफ है। ठीक उसी तरीके से बीजेपी के पास अपना कुछ वेस्ट बंगाल में दिखाने को नहीं था, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को जनता के बीच में लेके जाने की कोशिश की, जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम किसान निधि, जन धन योजना, मुद्रा लोन्स, स्वच्छ भारत और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स को काफ़ी बढ़ चढ़ करके उन्होंने लोगों के दरमियान पहुंचाया। अगर हम ठीक उसी तरीके से देखें तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी गलती का एहसास किया है, जिसका खामियाजा तृणमूल कांग्रेस को 2019 के चुनाव में देखने को मिला था। और 2019 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने अपनी कैंपेन को रीफर्निश किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की और एक दोबारा से एक रिन्यूड एनर्जी के साथ वो लोगों के दरमियान वो फिर आए। पार्टी स्ट्रक्चरिंग देखने को मिली, कैंपेन देखने को मिला कि काफ़ी प्रोफेशनल है, और इस बार उन्होंने बंगाली अस्मिता का नारा उठाया और फिर बात कही कि 2021 का जो चुनाव है वो बंगाल की बेटी ममता के लिए है। उन्होंने अपनी तमाम इन स्कीमों का भी जिक्र किया जो उन्होंने पिछड़े तबकों के लिए लेकर के आए थे। जो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा ममता ने जितनी एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी उनके खिलाफ उसको कम करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रही है। ओवरऑल देखा जाए तृणमूल कांग्रेस ममता बचाओ के अभियान पर लगी हुई है, ये देखने को मिल रहा है कि इस बार का चुनाव महिलाओं के हाथ में है जिनकी तादाद 49% है, और हर बार की तरह इस बार भी विमेन वोटर्स का टर्नआउट बढ़ने की ज़्यादा उम्मीदें हैं। दूसरी इलाकों से ज़्यादा विमेन कैंडिडेट्स की विनेबिलिटी देखने को मिलती है वेस्ट बंगाल में, उनका रिप्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट 12% का रहा है, काफ़ी ठीक और बढ़ने की ज़रूरत है। और एक पिछले करीब 20 सालों का एक एवरेज देखें तो 81% वोट देने आते हैं वो महिलाएं होती हैं। 2011 से ही कि महिलाओं ने ज़्यादातर वोट अपनी ममता बनर्जी की पार्टी के फेवर में किया है, और जिसको नज़र में को देखते हुए पार्टी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट हैं, बूथ लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक के पोस्ट हैं, उसमें महिलाओं की ज़्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिली। ज़्यादातर महिलाओं को कैंडिडेसी मिली, उनको MLA का टिकट दिया गया, विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स को लॉन्च किया गया,
या पुरानी स्कीम्स थे उन पे ज्यादा उसको अमल में लाने की कोशिश की गई, जैसे सबला, कन्याश्री, सभीश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी, और जो अभी द्वारे सरकार की जो स्कीम रही उसने तृणमूल कांग्रेस को अपने वोट बचाने में कारगर साबित हुई। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस को देखा जाए उन्होंने ओबीसी, दलित, ट्राइबल यूथ, फार्मर पॉपुलेशंस को भी और उनके हितों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे कि एक बड़ा मुद्दा वेस्ट बंगाल में देखने को मिला कि कैसे उन जातियों को, कुछ जातियों को ओबीसी स्टेटस दिलाया जाए, इसके वादे बीजेपी ने भी किए और तृणमूल कांग्रेस ने भी। पश्चिम बंगाल की 27% मुस्लिम आबादी जो कभी चुनाव में काफी इंथुजियास्टिक हुआ करती थी, इस बार वो इंथुजियाज्म उनके अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस बार ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कि मुस्लिम वोट्स ज्यादा वोट टीएमसी को मिलेंगे। कुछ ही सीटें होंगी जहां पर अब्बास सिद्दीकी जो फुरहरा शरीफ के हैं, कुछ सीटें जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के होंगे वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स की बुनियाद पर देंगे, लेकिन ओवरऑल उनका झुकाव टीएमसी की तरफ ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आखिर में हम आपको ये बताते चलें, पश्चिम बंगाल में अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पिछले 10 सालों की सरकार पर ममता बनर्जी की एक नाराजगी तो है, देयर इज एन एंटी इनकम्बेंसी। आपको यह भी पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आपको यह भी पता चलेगा कि एक प्रोपेगेंडा, पैसा, डर भी उतना ही है जितना कि पहले के चुनाव में देखने को मिले हैं। इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है, और इसमें दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने भी और तृणमूल कांग्रेस ने भी, अहम भूमिका निभाई है। आपको ये भी पता चलेगा कि एक रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी के जरिए। दूसरे इलाकों में, दूसरे प्रदेशों में बीजेपी को कहा जाता है कि ये एक बड़ी जातियों की पार्टी है, बनिया की पार्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन्होंने पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और नॉन बंगालीज के बीच में काफ़ी एक बढ़त बनाई है। तो एक रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग है, एक इमेज का करेक्शन भी है, लेकिन उसके साथ साथ टीएमसी ने भी अपने आप को एंटी इनकम्बेंसी के मार से काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश की है। उन्होंने मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट किया, बंगाली वोट्स को कंसोलिडेट किया, गांव में अपनी बढ़त बनाई, विमेन वोटर्स में अपनी बढ़त बनाई हुई है। हवा का रुख दोनों तरफ है। टीएमसी ने भी अपने आप को काफ़ी तैयारी के साथ लॉन्च किया, उन्होंने भी अपने पूरी संसाधनों को, अपने कैडर्स को एनर्जाइज किया, इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। वहीं पर लेफ्ट और कांग्रेस की बढ़त कम देखने को मिलेगी, इनफैक्ट उनका परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले उनको 8% में थोड़ी सी बढ़ी हुई होनी चाहिए जो मेरा अंदाज़ा है। अगर ये वाकई में अगर बढ़त होती है उनको तो ये फ़ायदा टीएमसी को मिलेगा, लेकिन चुनाव में कुछ भी कहना आसान नहीं होता, क्योंकि भारत के जो वोटर्स हैं उन्होंने एक अलग ही अपना निर्णय उनका रहता है। मेरा अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट की उम्मीद कम है, लेकिन ये भी तय है कि पिछले विधानसभा के मुकाबले में एक कड़ी टक्कर मिल रही है और टीएमसी को वोट्स भी कम मिलेंगे, सीटें भी कम मिलेंगी। जो सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने है कि जो सरकार बनेगी
पश्चिम बंगाल में वो कितने दिनों तक चलेगी। थैंक यू।